लग रहा है ये, मतलब बिल्कुल रियलिटी। और ये सारी मिट्टी के ना। इनका प्राइस क्या होगा? आपने देखा होगा यहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछी हुई है। पहले यहाँ पे तो भैया यहाँ पे पहले ट्रेन चलता था ना, तो बीच रोड में ट्रेन चलती थी। कितने डिब्बे लगभग होते थे? ट्रेन कैसे होती थी? दो बोगी थी। अच्छा, दो बोगी रहती थी। अच्छा, अभी भी चल रही है हावड़ा में। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। एक नई सुबह हो चुकी है, लगभग 12 बज रहे हैं। हाँ, 12 बज रहे हैं। अब आज हम लोग पूरा रेस्ट करेंगे। हम लोग जब इलाहाबाद से चले थे तो इसके बाद सही से सोए नहीं थे। लगभग 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए सही से बिल्कुल भी नहीं सोए थे। 3 दिन तो मान लीजिए सोए ही नहीं थे बिल्कुल। तो अब ये है कि आज हम लोगों ने फिर कलकत्ता में आए, कल शाम के कलकत्ता में आए। आने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और हम लोग के जूते वूते भी पूरे भीग चुके थे, कपड़े भी गीले हो चुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें गीली हो चुकी थी क्योंकि बारिश लगभग 8-9 घंटे कंटिन्यू हुई है, बहुत बुरी। और कहीं देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं हम लोग कहाँ रुके हुए हैं। हम लोग रुके हुए हैं गुरुद्वारे में। आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ कैसा गुरुद्वारा है। ये देखिए, ये एक पूरा हॉल टाइप है। हाँ, ये पूरा एक हॉल टाइप है और यहीं पे आपको मिलेगा। और ये अलमारी है। अगर आपको कुछ लॉकर वॉकर चाहिए तो आप लॉकर में भी रख सकते हैं। बस ऐसा है और काफ़ी अच्छा है, मतलब बढ़िया सोने लायक है। अगर आप बाहर से आए हुए हैं तो गुरुद्वारा सबसे बेस्ट होता है रुकने के लिए। मैं आपको बता दूँ, रुकने के यहाँ पे हम लोगों ने 100 रुपये दिया एक दिन का। ठीक है, किसी होटल में रुकते हैं तब भी 400 रुपये 500 रुपये देना ही पड़ता है। 400 रुपये तक 500 रुपये, इससे कम नहीं पड़ता। तो ये तो गुरुद्वारा है, खैर इतनी हेल्प करते हैं लोग, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 100 रुपये दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, ये जगह का नाम है 2211 राजबिहारी एवेन्यू। रेवेन्यू। अच्छा, और ये जगह बालीगंज रेलवे स्टेशन। बालीगंज रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये तो जगह का नाम है। जी जी। कहाँ पर जाएगा? जी, बोले को भारत सेवाश्रम संघो। फरोख भारत सेवाश्रम संघो। भारत सेवा, तो वो अब लोग 3 दिन ठहरने देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, समझी कि नहीं? थैंक यू सर, आपने हम लोग को मतलब इतनी मदद की। जैसा कि आपने देखा, अंकल ने बताया कि यहीं पास में एक गुरुद्वारा है। हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए निकल जाओ और पास में एमजी रोड में कोई सत्यनारायण पार्क है, वहाँ पे पास में एक गुरुद्वारा है। तो यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और वहीं पर ही लंगर चल रहा है। तो टाइम हो चुका है लंगर का, तो खाना वही खाएँगे और चलो हम लोग निकलते हैं। मैं आपको कलकत्ता की सबसे मशहूर चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का सबसे ज़्यादा फेमस ब्रिज है हावड़ा का। आप देखिए और खुद देखिए कितना बड़ा विशाल बना हुआ है। और गाड़ियों का शोर बहुत आ रहा है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने हावड़ा ब्रिज है। ये देखिए कितना विशाल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हावड़ा ब्रिज, कोलकाता का सबसे मशहूर चीज़ है हावड़ा ब्रिज। देख कितने मोटे मोटे लोहे लगे हुए हैं, एल्युमिनियम है शायद, ये आई थिंक, मुझे लगता है हाँ एल्युमिनियम ही है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ से, मतलब नीचे इसके जस्ट नीचे गंगा नदी बहती है और वो नदी शायद मुझे ऐसा क्या लगता है वो समुद्र में मिलाप करती जाके। हाँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो अंकल, यहाँ का ये कितना साल पुराना लग रहा है हावड़ा ब्रिज? बहुत साल हो गया, अभी ब्रिटिश का बनाया हुआ, 100 साल हो रहा है इसका। 100 साल? 100 साल होता होगा। किसने बनाया था इसे? ब्रिटिश बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, अच्छा, इसका नज़ारा तो अलग ही है, अद्भुत। इसका नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है और यहाँ से बिल्कुल नदी दिखती है, गंगा नदी। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा व्यू आ रहा है भाई, ओ माय गॉड, गजब लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छी मार्केट लग रही है। ये देखिए
बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत सजा हुआ है, ये सब जन्माष्टमी के लिए सजाया गया है। अपने घर के लिए ईंट ले सकते हैं आप। दो ईंटें ले रहा हूँ, ईंट बहुत अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत ना। किसी को फेंक के मारे तो आप मार सकते हैं। तो भैया कितने की ईंट है? 3 रुपए की। घर अपना जरूर बनवाए। चलिए हम लोग लेते हैं। हम लोग ये 2 पत्थर ले रहे हैं, पत्थर क्या बहुत अच्छे पत्थर, ईंट है छोटी सी, ठीक है। तो इसका प्राइस 5 रुपए है, 5 रुपए के 2। तो लेने वाली चीज़ें तो बहुत सारी, लेकिन टूट जाएगी। तो चलो चलते हैं यहाँ से लेके। भैया हम लोग गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं, और पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं। हम लोग अब इस हमको बंद करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए बंद करते हैं और दर्शन करते हैं। टाटा। हम लोगों ने खाना खा लिया है, और ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ी देर थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर बताता हूँ आपको। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब बिल्कुल रियलिटी। और ये सारी मिट्टी के ना। इनके प्राइस क्या होगा? इनकी प्राइस आपको पर पीस 40 रुपये। 40 रुपये, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी मूर्तियाँ हैं। कृष्ण जी जन्माष्टमी के अवसर पर ये सारी मूर्ति कृष्ण जी को समर्पित है, और लोग ने खरीद रहे हैं। ये सारी मूर्तियाँ मिट्टी की हैं, मतलब एक से एक कलाकारी है। यहाँ पे कोलकाता का कल्चर बहुत अच्छा है, गंगा का कल्चर बहुत। ये देखिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सबरी देर। भाई बारिश तेज हो चुकी है, और हमें अभी हावड़ा ब्रिज लगभग 1 किलोमीटर क्रॉस करना है। हावड़ा ब्रिज से पहले अभी हमें एक छाता लेंगे यार, छाते की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को। आपने देखा होगा यहाँ पे पटरियाँ भी चाहिए। पहले यहाँ पे तो भैया यहाँ पे पहले ट्रेन चलता था ना, अब बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? बंद क्या हुआ? ये बाजार में जितना प्राइवेट गाड़ी हो गई बंद हो गया। अच्छा प्राइवेट गाड़ी है यार, इसीलिए बंद हो गया। अच्छा तो ये कब बंद हुआ लगभग? रास्ता जाम हो जाता रहा। अच्छा तो ये कब बंद हो गया? ये बंद हो गया मगर 2 साल पेपर हो गया होगा। 2 साल पेपर हो गया, मतलब कोविड के बाद या कोविड पहले ही? ये मोटा मोटा ना लॉकडाउन से पहले बंद है। अच्छा लॉकडाउन के पहले ही बंद हो चुका है। बीच रोड में ट्रेन चलती थी, कितने डिब्बे लगभग होते थे? ट्रेन जैसे होती थी? 2 बोगी थी। अच्छा 2 बोगी रहती थी। अच्छा अभी भी चल रही है हावड़ा में? हावड़ा में चलती है अभी। उधर भी कलकत्ता में चलती है? अच्छा कलकत्ता में चलती है। तो स्टेशन के कहाँ स्टेशन बने तो कहीं भी रुक जाती थी? नहीं कहूँ भी, कहीं भी रुक रोक दो। अच्छा अरे जैसे बस चलती थी वैसे चलती। अरे तो ये जो लाइनें बिछी है वो ट्रेन चलती थी क्या? गजब देखा आपने, मतलब ट्रेन जो थी इसको कहीं भी हाथ दे के रोक लो और कहीं भी रुक जाती थी। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इंगड़प्पो चाता भाई साहब, यहाँ की बारिश ऐसी है ना, कुछ कहने की बात नहीं। 2 मिनट खूब तेज़ बारिश होगी, अचानक से फिर बंद हो जाएगी बारिश, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी बारिश है। तो अभी अभी हम लोगों ने छाता लिया है, आपने देखा ही है, और 1 मिनट नहीं लगता बारिश शुरू हुई तुरंत बंद हो गई, फिर बारिश शुरू। ऐसे ही कल तो भाई ख़तरनाक बारिश हुई, आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा, व्लॉग कल वाला देखा होगा भाई। कल 7-8 घंटे बारिश हुई, जम के बारिश हुई है यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ख़तरनाक बारिश। तो चलिए भाई बारिश बहुत तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज, मतलब गंगा जी बह गई क्या यहाँ, क्या ही बोले भैया जी, इतनी बारिश, मतलब ओह। तो राजन कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अमेरिका। यूएसए चलो खाना खाने। हाँ लंगर। अब क्या ही बोले, बोलो कुछ बोलते नहीं तुम। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है हावड़ा ब्रिज, देखो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको हावड़ा ब्रिज। हम लोग फिर से खाना खाने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, और फिर से हावड़ा ब्रिज आपको रात में दिखाते हैं। रात का नज़ारा बड़ा ही धांसू लग रहा है भाई, एक नंबर का व्यू है।
और मैं आपको दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज, ये देखिए आप, इतनी सारी लाइटनिंग है, बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखिए आप, देखिए आप मजा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, लाइट का ही मजा है, सारा खेल लाइटनिंग का है सर। बड़ा ही प्यारा नजारा लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं भाई, गजब लग रहा है व्यू, एक नंबर का नजारा।